रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आरजेडी नेता यदुवंश यादव के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ। जी हां, यदुवंश यादव के बयान पर भड़की जेडीयू और कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बयान पर सवाल उठाए हैं, कहा कि इतिहास की पढ़ाई की होती तो ऐसे बयान नहीं देते। नीरज कुमार का यह कहना है, और कुछ भी बोलने से पहले इतिहास को पढ़ ले, नीरज कुमार ने यह कहा है। यदुवंश नेता के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। यदुवंश यादव को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अरविंद सिंह ने यह बयान दिया है। यदुवंश सिंह ने जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के बयान दिया है, उसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इतिहास पढ़ना चाहिए उनको, उसके बाद बोलना चाहिए। तो इतिहास का सवाल है, उसके बाद फिर एक नया बवाल है। जी हाँ, यदुवंश नेता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि यदुवंश यादव को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इधर जेडीयू और कांग्रेस भी हमलावर है यदुवंश नेता पर, और कह रहे हैं कि इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, पहले इतिहास पढ़ें फिर बयान दें। इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, नहीं इतिहास के प्राध्यापक हैं। हमारा तो उनको सलाह होगा कि राष्ट्र कवि दिनकर यहाँ के थे सिमरिया के, तो डॉक्टर रामशरण शर्मा इस देश के प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास का पढ़ लेना चाहिए, तब ऐसे सवालों पर टिप्पणी करना चाहिए। क्योंकि टिप्पणी करने से, अगर बिना पढ़े हुए टिप्पणी करिएगा तो उपहास के पात्र बन जाइएगा। देखिए, ये अधूरा ज्ञान किसी को भी नहीं बांटना चाहिए। हमारी पार्टी, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि हम सभी जात सभी धर्म का सम्मान करते हैं। समाज के सभी जात का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को, हमारी पार्टी को मिलता है, इसलिए सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में। अब कोई अगर कुछ भी व्यक्तिगत बयान दे रहा है और द्वेष फैला रहा है तो ये उचित नहीं है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। जो व्यक्ति देश को बांट करके राजनीति करना चाहता है, समाज को बांट करके राजनीति करना चाहता है, धर्म को आपस में लड़ा करके राजनीति करना चाहता है, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग, परिवारवाद के लोग, ये सारे लोग इस देश के लिए एक संकट हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आरजेडी का ऑफिशियल बयान नहीं है, आज जो पूर्व विधायक या जो व्यक्ति आरजेडी के हैसियत से ऐसी घृणा करने वाली बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि वो आरजेडी के वास्तव में शुभचिंतक नहीं है और सदस्य नहीं है। चूँकि यह भारत सबका है, समान विचारधारा का है, सभी लोगों के भारत पे अधिकार है जो भारत में जन्मे हैं, और ऐसी स्थिति में जाति विशेष को आरोप लगाकर या बिना आरोप के संबोधित करना, उन पर कोई तंज कसना, मुझे लगता है बहुत ही घृणित काम है, न सिर्फ भर्त्सना करने वाला कार्य है।